भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे दिन जीता, 99% हारा हुआ पहला टेस्ट मैच। भारत को आखिरी के एक ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 30 रन, फिर जडेजा ने लगातार 4 छक्के लगाकर भारत को जिताया। हारा हुआ पहला टेस्ट, दोस्तों आप भी देखना चाहते हो भारत ने श्रीलंका से आखिरी ओवर में कैसे जीता पहला टेस्ट, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारत श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसका पहला टेस्ट कोलंबो में खेला गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 250 रन, जिसमें दिनेश चंडीमल ने सबसे ज्यादा 70 रन की पारी खेली, तो वहीं कमेंडू मेंडिस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की ओर 40 रन लगाए। भारत की ओर से घातक गेंदबाजी कराई, अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 5 विकेट निकाले। इस लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर आई। भारत की ओर से ओपनिंग करते हुए जायसवाल ने 20 रन लगाए और उसके बाद विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की ओर 50 गेंदों में 40 रन का योगदान दिया। कोहली के बाद रोहित शर्मा भी 60 रन लगाकर पवेलियन जा चुके थे। दोस्तों अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 30 रन सामने बल्लेबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने पहली गेंद पर 2 रन ले लिए और अगली गेंद और चौका लगा दिया और अब 4 गेंदों में भारत को चाहिए थे 24 रन। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अब इस मैच को बुरी तरह से हारने वाली है, मगर जडेजा को कुछ और ही मंजूर था। जडेजा ने तीसरी गेंद पर छक्का जड्डी डीएच दिया, चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का उड़ाया, तो वहीं पांचवी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। जडेजा ने टेस्ट को T20 बना दिया और आखिरी गेंद पर भी जडेजा ने छक्का लगाकर भारत को जिताया। 99% हारा हुआ पहला टेस्ट।